दुनिया में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कोई है तो वह हमारा पिता परमेश्वर है। वह सदैव हमारे विकास एवं समर्थवान जीवन की परवाह करता है। उस प्रभु का निःस्वार्थ प्रेम सदैव हम सब के साथ रहता है। उस पिता परमेश्वर के अनगिनत आशीर्वादों की संख्या हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जब हम गहरे अनुभव करते हैं तो चारों तरफ उसी का प्रकाश दिखाई देता है। फूलों की खुशबू में, पत्तियों में, लहलहाते खेत खलियानों में, कोयल और कोयल की आवाज में, पहाड़ों को तोड़कर बहते हुए झरनों में, कलकल करती नदियों के संगीत में, चारों तरफ बिखरे फूलों में, हवा के झोंकों में, बरसात की बूंदों में, घुमड़ते हुए बादलों में, हम सब के अंदर और चारों तरफ वही सच्चित आनंद परमात्मा की अलख चहुओर बिखरी हुई है। हमारे विश्वास में पूरी तरह से विकसित किसी चीज की कमी नहीं है। हे प्रभु, आपका दिया यह बहुमूल्य जीवन जो मुक्ति का द्वार है, यहां से जीवन आपके परम पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हम लोग वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हमारी बाल्टी में वासनाओं के इतने छिद्र हैं कि कुएं में जब हम बाल्टी डुबोते हैं तो लगता है कि बाल्टी भर गई है, लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर निकालते हैं बाल्टी का पानी छिद्रों से बाहर बहने लगता है और हमारे हाथ खाली बाल्टी ही आती है। और एक जो बहुमूल्य अवसर लेकर आए उसे भी हम लोग खो देते हैं। अगर हम सब लोगों ने मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाया तो हम लोग मनुष्य होने का हक खो देते हैं। यह सीधा सा गणित है। मेरे जीवन में करुणा का उदय हो तो प्रज्ञा का जन्म होता है, जो हमें परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाने का मार्ग बनाता है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं यह अकारण नहीं है। कहीं न कहीं हमने कुछ किया होगा अच्छे के लिए, तब हमें यह बहुमूल्य संपदा मिली है। अनेकों जन्मों इस मनुष्य बनने के लिए अर्जन किया होगा इस मनुष्यता के लिए, तब जाकर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन के अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। चेत जाओ, प्रभु की तरफ मुड़ो, जहां जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह अवसर बहुत ही मूल्यवान है। इसे संसार की नश्वरता में गंवाना नहीं है। यह संसार झार अरुझाकर आग लगे जल जाना है। मूल सृष्टि से जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपने होने की मालकियत से जुड़ो, जहां से मनुष्यता का जन्म होता है। जब तक हम दूसरों पर मालकियत दिखाते हैं तब तक हम पशु वृत्ति से आगे नहीं आ सकते हैं। परमात्मा की अभूतपूर्व संपदा हमारे सामने बिखरी है। इस जीवन के रहते उसकी गठरी बांध लो जो तुम्हें धन्यता की ओर ले जाती है। हम सबको सार्थक की चिंता करनी चाहिए। मृत्यु हमारे द्वार दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए उसके पहले हमें परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर लेना है, समाधि को उपलब्ध हो जाना है जो हमें मृत्यु और जीवन के पार ले जाती है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने जो यह जीवन दिया है उसको सार्थक करने में हमारी मदद करें। व्यर्थ की चीजों के आकर्षण से हमें मुक्त करें, जीवन आपको उपलब्ध कर सके, ऐसी कृपा कीजिए मेरे भगवन। मनुष्य जीवन अपने अर्थ को प्राप्त कर सके, आपकी महिमा को हम सब उपलब्ध हो सके। मेरे अमृत बनने की संभावना को साकार करें मेरे प्रिय पिता। मैं आपको पुकार रहा हूं, मैं आपका आवाहन कर रहा हूं।
मुझे अज्ञान की निद्रा से जागृत करें। प्रभु आपने मनुष्य से परमात्मा होने की प्रबल संभावना दी है, आप उस संभावना को यथार्थ में बदलो मेरे भगवन। हे पिता परमेश्वर, जैसे दिए के जलने से अंधेरा गायब हो जाता, सूरज के उदय से रात्रि विलीन हो जाती है, वैसे ही मेरे प्रभु मेरे अंदर बोध का दीपक जलाएं, जो मेरे अंदर के अज्ञान के अंधेरों को दूर करते, समझ के प्रज्ञा के दीप जलाएं, जिससे मेरे अंतस में आपका प्रकाश आलोकित हो जाए और मैं आपके परम पद को प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।